आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। या तो मुझे बताओगे कि ये सब क्या बकवास है? शादी अभी हुई नहीं और शादी से पहले ही टेस्ट हो रहे हैं। बच्चे कब पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे? वही वाह, बड़ा ही ओछा और खुला डुला माहौल दिया है तुमने अपनी बेटियों को। क्या यही पढ़ाया है तुमने इन्हें? आपा, मेरी बात सुने आप। अब तो ये हमारे कानून का हिस्सा बनने जा रहा है। शादी से पहले अगर मैरिज टेस्ट हो जाए तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे खानदान में सिर्फ जमीनें और जायदादें विरासत में नहीं मिलती, बीमारियां भी विरासत में मिलती। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे बेटे में कोई नुक्स है, कोई कमी है। अगर मेरा कुर्बान सुग्रा से शादी करेगा तो उसकी पागल औलाद पैदा होगी, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? आपा, आप बहुत तल्ख बातें कर रही हैं। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि फातिमा की बेटियों में शर्मो हया नाम की नहीं है। लेकिन अम्मा मरहुमा के फैसले की लाज भी तो रखनी थी ना मैंने ही। मैं आज एक इशारा करूं ना तो मेरे कुर्बान के लिए 10,000 रिश्ते आ सकते हैं। अरे ऐसी बेटियां तो मां बाप के घर की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। काश फातिमा तुमने अपनी औलाद को काबू में रखा होता। बस अब इस घर से मेरा हर किस्म का वास्ता और ताल्लुक खत्म। आपा, आपा प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मैं सुग्रा से बात करती हूँ, इस तरह मत जाए। बस कर दो फातिमा, अब पानी सर से गुजर गया है, जा रही हूँ मैं। आपा, बच्ची की कस्टडी मैं तुमसे लेकर जाऊंगी। हयात खान, तुम्हें परी की फिक्र है? बेटी है तुम्हारी वो। जानता हूं, मैं परी से बहुत मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब उसको देखता हूं तो महा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। कैसे भूल जाऊं महा ने मेरे साथ क्या किया?
इस कदर ज्यादती, इतना झूठ, इतनी अजियत दी उसने मुझे, इतना धोखा, बेवफाई की उसने, ये सब कैसे भूल सकता हूँ। परी को देखता हूँ तो बस यही ख्याल आता है मुझे। ठीक कहते हो तुम, मगर बेटा ये भी तो समझो कि तुम बाप हो उसके, खून है वो तुम्हारा, एक एक बात को नोटिस करती है अब वो। आज उसने तुम्हारे बुरे रवैये पे सवाल उठाया बेटा, कल को मजीद सवाल लेकर खड़ी हो गई, फिर जवाब हम दोनों के पास नहीं होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मैं परी को बोर्डिंग में भिजवा दूं। क्या? बहुत अफसोस है मुझे, तुम तो बहुत ही पत्थर दिल हो। तुम माँ बाप की अना की जंग में उस बच्ची का क्या कसूर? मुझे तो परी की फिक्र हो रही है। यहां शादी की तारीख फिक्स हो रही है और तुम मैरिज टेस्ट की पख लेकर मेरे सामने आ गई। मैं आज एक इशारा करूं ना तो मेरे कुर्बान के लिए 10,000 रिश्ते आ सकते हैं। अरे ऐसी बेटियां तो माँ बाप के घर की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। काश फातिमा तुमने अपनी औलाद को काबू में रखा होता। बस अब इस घर से मेरा हर किस्म का वास्ता और ताल्लुक खत्म। क्या बात है मेरी बेटी, कहाँ गुम हो तुम? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही। तुमको पता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर बेटी हो। थैंक यू अब्बू। मुझे फख्र है तुम पे कि तुमने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए भी तुमने स्टैंड लिया है। चलो अब यहां से पहुंचो, साफ करो और जाके मुझे गर्मा गर्म चाय बना के दो। आज मेरा अपनी बेटी के हाथ की चाय पीने का दिल कर रहा है। शाबाश। वैसे मैं बहुत खुश थी तुम्हारे और कुर्बान के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मेरी जिंदगी के सारे मुश्किल फैसलों में से ये वाला सबसे मुश्किल था। अम्मा और जारा तो अब तक नाराज है, शुक्र है अब्बा ने मेरा साथ दिया। खानदान वाले अलहदा बातें बना रहे, कोई भी मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहा। आज की दुनिया सिर्फ उसी सिचुएशन को समझती है
जिससे वो गुजर रही होती है। अब देखो, आज तुम्हारी और कुर्बान की शादी होती, कल तुम लोग पेरेंट्स बन जाते, तब ये तकलीफ आज से कहीं ज्यादा होती। मैं जानती हूँ है ना कि तुम ये सब बातें समझती हो, अगर मैं और लोगों को ये बातें नहीं समझा सकती। क्या जरूरत है समझाने की? जो तो हैरत इस बात की है कि कुर्बान तक ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। वो इस सोसाइटी का टिपिकल मर्द है ना, जिसके लिए उसकी अना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इतनी बातें सुनाकर गया है मुझे, और फुप्पू ने तो आसमान ही सर पर उठा लिया, यहां तक कि अप्पा को ताल्लुक खत्म करने की धमकी देकर गई है। एक बात पूछूं, तुम इस फैसले के बाद गिल्टी तो नहीं फील कर रही? सच पूछो है ना, तो मैं अब कुछ भी फील नहीं कर रही। एक बात की परेशानी जरूर थी कि अप्पा और फूफो का ताल्लुक सिर्फ मेरी वजह से खत्म हुआ, लेकिन तुमसे बातें करते हुए मुझे एक बात समझ में आ गई है। कौन सी बात? यही कि खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, हम उन्हें डिसओन नहीं कर सकते, अनलव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ देर के लिए खुद से दूर जरूर कर सकते हैं। मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। अरे वाह, ये ले। बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही चाय ले, बहुत तलब हो रही थी मुझे। थैंक यू फॉर दिस। वो सुग्रा चली गई? चली गई। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? मेरी गजाला से बात हो रही थी, उसने बताया है कि शमसा आपा ने कुर्बान का रिश्ता तय कर दिया है और अगले महीने की शादी की तारीख तय कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात। कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आज सोगरा ये हिमाकत ना करती तो वो कुर्बान की दुल्हन बन रही होती। शमसा अपा लाख मिजाज की कड़वी सही, लेकिन कुर्बान और सोगरा की जोड़ी कितनी जचती। देखो, मैं तुम्हारी कैफियत से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हूं, और एक मां होने के नाते तुम्हारी परेशानी भी जायज, लेकिन फातिमा हमारी बेटी है, फखर है वो हमारा। उसका ये फैसला देखो उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा, बचपन की शादी थी, उसके दिल में भी तो कुछ चल रहा होगा ना। यानी कैसे वो अपना दिल संभाले घूम रही होगी। लेकिन हम माँ बाप हैं उसके, और बेटियों के हर जायज फैसले में उनका साथ देना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, माँ के दिल दरिया होते, दरियाओं के बंद तो टूट भी जाते हैं। फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम है ना साथ लड़ेंगे। आओ, हैव अ सीट। दादो, आपको
पता है मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा भला? मैं दो क्यूट सी कैट ड्रॉ कर रही हूँ अपने लिए और आपके लिए मिक्की माउस। बाबा के लिए क्या बनाऊं? बस बेटा तुम यही चूहे और बिल्लियां ही बनाती रहना। ठहर जाओ, मैं तुम्हारे स्कूल वालों की खबर लेती हूँ। पता नहीं क्या कुछ बनवाते रहते हैं बच्ची से। कोई फलों की तस्वीर बनाओ, कोई सब्जियों की बनाओ, कोई परिंदों की बनाओ बेटा। I can draw crow. Crow? दादो आपको कव्वे का नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ बैठो। जी मैं जा रहा हूँ साथ वाले घर से। सॉरी गेट पे कोई था नहीं और गेट भी खुला था तो मैं खुद ही अंदर चली आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो तो सही। वो दरअसल हमारा गार्ड जो है ना वो हवाखोरी के लिए निकल जाता है। आज आ जाए हयात, मैं उसकी शिकायत लगाती हूँ। अम्मी ने खीर बनाई थी तो सोचा आपको दे आऊं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? दादो अलफ खीर आपके लिए तो लाई हूँ। आपका थैंक यू। ठीक है मैं चलती हूँ, अम्मी कह रही थी आप लोग हमारी तरफ जरूर चक्कर लगाइएगा। अरे बेटा तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। दरअसल हमारा कुक गया हुआ है ग्रोसरी करने। ये ग्रोसरी करने ऐसे जाता है लगता है सरहद पार चला गया और वापसी का रास्ता भूल गया। बहरहाल तुम अम्मी को मेरा सलाम कहना। अम्मी भी घर में यही कह रही होंगी, जारा जहाँ जाती है वही की होके रह जाती है। मैं चलती हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। वैसे तो आप भी क्यूट हैं लेकिन मुझसे कम। नॉटी गर्ल। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा अम्मी को मेरा सलाम कहना। दादू आए ना, खीर खाते हैं। ये क्या हरकत की तुम? बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। अच्छा I'm sorry ना दादू। परिषद गाड़ी में बैठो जल्दी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला था गाड़ी में बैठो। दिमाग ठीक है आपका? कैसे बात कर रहे हैं आप? ये बच्ची है और डरी हुई है। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ आपसे नहीं। बेटियों के बाप उनसे ऐसे बात नहीं करते। बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? Yes. आंटी उस दिन रोती हो रही थी। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही थी, वो तो मेरी आंखों में एलर्जी हो गई थी। परी गाड़ी में बैठो, वे गेटिंग लेट। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि अजनबी लोगों से बातें नहीं करते? फिलहाल तो मुझे आप अजनबी लग रहे हैं इसके लिए। जब तक आप इससे दोस्ती नहीं करेंगे ना तो ये किसी भी अजनबी को आसानी से अपना दोस्त बना लेगी। परी इधर आओ।
चोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं दादू, मुझे आंटी ने बचा लिया था। आप इसको समझाया करें, अजीब बिहेव करती है बाहर, इतनी केयरलेस हो गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। मुझे तो तुम्हें भी समझाना पड़ता है बार बार कि दूसरों के सामने अपनी बच्ची के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। जब तुम्हें नहीं समझ आ रही तो इसे क्या समझ आएगी बेटा? तो आपको लगता है मेरी गलती है? वो तो मेरी आंखों में एलर्जी हो गई थी। परी, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि अजनबी लोगों से बातें नहीं करते? सोगरा, तुम्हें पता है कुर्बान भाई की शादी हो गई है। अच्छा, कल अम्मी को शाजी आंटी की कॉल आई थी, पूछ रही थी सुगरा बीमार है, मां नहीं बन सकती। पूरा खानदान उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अम्मी कहाँ है? उनके सर में दर्द था, अभी टैबलेट देके आई हूँ और उनसे मैंने कहा प्लीज रेस्ट कर लें आप। साहिर है, इन सब बातों के बाद सर में तो दर्द होगा ना, बीपी भी हाई होगा, शुगर भी लो हो सकता है। सुगरा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार कुर्बान भाई से बात कर लेनी चाहिए। क्या बात? यही कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी की वजह से टूटा है और सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं था इसमें। लेकिन फुफ्फू ने तो साबित कर दिया ना कि सारा कसूर मेरा ही था। अब हमारी अम्मा को एक नई टेंशन होगी कि क्या पता मेरी बेटियों की शादी होगी भी या नहीं। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। शर्म नहीं आती कुर्बान भाई को? ऐसी कोई पोस्ट करता है और एक फुफ्फू है, पूरे खानदान में बातें कर रही है। ठीक है, मैं कर देता हूं। ओके। अम्मी, ओ कल प्लीज परी को तैयार कर दीजिएगा, मैं इसको महा के घर ड्रॉप करूंगा। कितने दिनों के लिए? दिनों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए बस। अफसोस, तुम दोनों ने अपनी अना की खातिर बच्ची बिचारी को रोल दिया। आप अच्छी तरह जानती हैं सब महा ने शुरू किया था, लेकिन अब इसे सब मैं करूंगी। काश उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खानदान में कई घराने ऐसे थे जो हमसे रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे,
मगर मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आई। तुम मेरे इकलौते बेटे हो हयात, अब समझ आ रही है। बच्चों को उनके पसंदीदा खिलौने तो लेकर दे देने चाहिए। मगर उन्हें वो फैसला करने का हक नहीं देना चाहिए जिसकी भरपाई आने वाली नस्लों को करनी पड़े। अम्मी, मैं सौरभ को परी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा, ये बर्दाश्त क्या होता है? तुम बड़ों की बातों में क्यों बोल रही हो? और यहां क्या कर रही हो? पढ़ाई खत्म की अपनी? अम्मी प्लीज, इसको होमवर्क खत्म कराएं आप। सारा दिन खेलती रहती है। जाओ उठो, पढ़ो जाके। दादो जी, मेरा बेटा। महा मामा क्या बहुत बुरी हैं? नहीं बेटा, माएं तो बहुत अच्छी होती हैं। अरे आइए आइए प्लीज। बहुत अच्छा लगा आपके घर आके, आपसे मिलके। मैंने गजरेला बनाया था, मैंने सोचा कि आपने खीर भिजवाई है तो हम गजरेला दे आते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। सुगरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे ये तो मेरी फ्रेंड आई है, अब तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं है ना? एक सीक्रेट। ओके, कम ऑन नाउ, लेट्स गो एंड प्ले। ये आपकी बड़ी बेटी है? जी जी, और छोटी बेटी जारा से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है। हाँ, जारा से तो मुलाकात हुई है। माशाल्लाह, आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बेटियों की शादी की बात तय की हुई है कहीं? हाँ, बस मैं आपको क्या बताऊं, पिछले दिनों आपके घर कुछ मेहमान भी आए हुए थे ना? हाँ, मेहमान तो आए थे, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी वीरान करके चले गए। क्या हुआ? खैर तो है ना? बस आपको तो पता है, बेटी वाले घरों में तो खैर मुश्किल से ही आती है ना। आप मुझे बताएंगी? शायद मैं आपका दुख कम कर सकूं या बांट सकूं। मैं आज एक इशारा करूं ना तो मेरे कुर्बान के लिए 10,000 रिश्ते आ सकते हैं। अरे ऐसी बेटियां तो माँ बाप के घर की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। बस अब इस घर से मेरा हर किस्म का वास्ता और ताल्लुक खत्म। Thank you.
टॉयज पसंद है? नो। तो फिर क्या अच्छा लगता है? मुझे ड्राइंग करना पसंद है। ओके, तो फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी ड्राइंग्स बनाएंगे। सच्ची? फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे जान छुड़वाना चाह रही है? तुम्हारे पास कोई और बहाना नहीं था? तुम एक ऐसी चीज मेरे सामने लेकर आ गई हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कम से कम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम ऐसे रिएक्ट करो। तो और कैसे रिएक्ट करूं? यहां शादी की तारीख फिक्स हो रही है और तुम मैरिज टेस्ट की पख लेकर मेरे सामने आ गई। मैरिज टेस्ट एक पख नहीं है कुर्बान, एक सच्चाई है, एक हकीकत है। और अगर हम दोनों माइनर हुए तो? अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों इस शादी से इनकार कर देंगे। नो नो, आप तो इतनी बड़ी है, आप क्यों रो रही है? उस दिन मैंने आपको विंडो से भी देखा था, आप उस दिन भी रो रही थी। आए, परी आपको एक मजे का हक देगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। Are you okay now? अब वाकई सब कुछ ठीक हो गया। सारा दिन यहाँ लटकी रहती हो, क्या कर रही हो? वो मैं आंटी को हाथ हिला रही थी। अच्छा चलो, देर हो रही है। और तुमने उसे देखा था कैसे बड़बड़ा रही थी, और जैसे ही मैं सामने गई उसकी बोलती बंद हो गई। रिश्ते सुकून दिल का, रिश्ते करार हैं, इनमें ही सारे मौसम पतझड़ बहार हेलो पापा, आप जल्दी आ जाए मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है।